यकृत लगा हुआ है और इसी पर पिल्हा भी लगा हुआ है। यहाँ पर क्या कहते हैं कि छोटी आंत में स्रावित होने वाले, छोटी आंत से नहीं कहता है, में स्रावित होने वाले, मतलब छोटी आंत में स्रावित होने वाले, छोटी आंत में कौन कौन से हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। तो सिक्रेटिन कहाँ से स्रावित होता है, तो यह ग्रहणी की एस कोशिकाओं द्वारा हार्मोन होता है, ठीक है। और यह अग्नाशय रस के स्राव को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो ये ग्रहणी की एस कोशिकाओं से स्रावित होता है, किस कोशिकाओं से, एस कोशिकाओं द्वारा यह हार्मोन स्रावित होता है, द्वारा स्रावित होता है, ठीक है, स्रावित होने वाले हार्मोन है, ठीक है, द्वारा स्रावित हार्मोन होता है यो। और ये क्या करता है, अग्नाशय रस को, अग्नाशय से जो अग्नाशय रस स्रावित होता है, पेनक्रियाज से जो पेनक्रियाज रस स्रावित होता है, उसको क्या करता है, ये प्रेरित करता है, मतलब उसको काम करने के लिए प्रेशर देता है, काम करने के लिए प्रेशर देता है। अब है यहाँ पर कोलीसीएस्टोकाइनिन, ये हार्मोन का नाम है, किसका नाम है, कोलीसीएस्टोकाइनिन हार्मोन, ये कहाँ से स्रावित होता है, तो इसे जो है पेक्रियायोजैमिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, पेक्रियायोजैमिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यह अग्नाशय रस के स्राव को संकुचित करके, अग्नाशय रस यहाँ पर जो है पेनक्रिया जूस जो स्रावित हुआ था, ये पेनक्रिया से जो रस स्रावित हुआ था उसको संकुचित करने के बाद उसमें उपस्थित रस को छोटी आंत में प्रवेश करने में सहायता करता है। यहां से अग्नाशय से अग्नाशय रस स्रावित हुआ, ठीक है, ये हार्मोन क्या करता है, यहां से जो रस स्रावित हुआ इस रस को छोटी आंत में भेजने में मदद करता है, छोटी आंत में भेजने में मदद करता है, ठीक है। फिर जो है देखिए गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन क्या है, यह एक पेप्टाइड हार्मोन है, गैस्ट्रिन क्या है, यह एक पेप्टाइड हार्मोन है। ये आप लोग से प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि गैस्ट्रिन क्या है, तो गैस्ट्रिन क्या है जी, यह एक पेप्टाइड हार्मोन है जो आमाशय की जी कोशिकाओं से, किस सेल से, जी सेल से ग्रहणी तथा अग्नाशय रस के द्वारा स्रावित होता है। ये कहाँ से स्रावित होता है, ये आमाशय की कोशिका है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी कोशिका, तो जी कोशिका, कौन सी सेल, जी कोशिका, और ये क्या है, ग्रहणी है, ये क्या है, ग्रहणी है, उसके बाद ये अग्नाशय है, ये क्या है, अग्नाशय है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि गैस्ट्रिन कहाँ से स्रावित होता है, एस कोशिकाओं ग्रहणी तथा अग्नाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है, और गैस्ट्रिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्राव को प्रेषित करता है। अब इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था इसको स्रावित होने के लिए कौन से हार्मोन प्रेषित करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन, कौन से हार्मोन, गैस्ट्रिन हार्मोन प्रेषित करता है। अब है मोटिलिन, यह कैसा हार्मोन है, तो मोटिलिन यह हार्मोन आंत की एम कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ये कहां से स्रावित होता है, आंत की, ये आंत की जो है ना एम कोशिकाओं द्वारा, एम सेल द्वारा स्रावित होता है, आंत की एम सेल द्वारा स्रावित होता है। और ये विशेष रूप से करता क्या है, तो ग्रहणी एवं मध्यांतरण, मतलब छोटी आंत के मध्य भाग को क्या कहते हैं, छोटी आंत के मध्य भाग को जेजुनम, ठीक है। तो यहाँ पर मध्यांतर में यह पेप्सिन के स्राव को प्रेषित करते हैं, तो मध्य आंत में जो है ये छोटी आंत के बीच वाले भाग में पेप्सिन नामक पाचक एंजाइम का स्राव करने के लिए प्रेषित करता है, कौन हार्मोन, मोटिलिन हार्मोन, किसको प्रेषित करता है, पेप्सिन को, किसको, पेप्सिन को स्रावित होने के लिए प्रेषित करता है। फिर है एंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन, ये क्या करता है, तो ये जब आमाशय या छोटी आंत में वसीय भोजन पहुंचता है, वसीय भोजन मतलब वसायुक्त, बस यहां नहीं, वसायुक्त, कैसा भोजन, वसायुक्त मतलब तेल युक्त भोजन जब कहां पहुंचता है, आमाशय में, कहां पहुंचता है,
आमाशय में, ठीक है, छोटी आंत में पहुंचता है और छोटी आंत से आमाशय या छोटी आंत में पहुंचता है तो ये वस्य भोजन को क्या करता है, ग्रहणी की श्लेष्मा झिल्ली, ग्रहणी की श्लेष्मा झिल्ली के द्वारा कौन से हार्मोन का स्राव होता है, एंट्रोगेस्ट्रोन हार्मोन का स्राव किया जाता है। यह क्या करता है कि ये जठर ग्रंथियों से होने वाले स्राव को क्या करता है।